आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम डे बाय डे डिग्रेड क्यों हो रहा है। ये बेसिकली मेरा व्यू है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, किसी भी देश का डेवलपमेंट उस देश की एजुकेशन सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। अगर हम जापान की बात करें, यूएसए की बात करें, लंदन की बात करें, तो हर देश का अपना एजुकेशन सिस्टम है। जिस देश का एजुकेशन सिस्टम जितना सॉलिड है, उस देश का डेवलपमेंट भी उतना सॉलिड है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इंडिया एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है इन केस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, एक तरह से कह सकते हैं कि धीरे धीरे यूजलेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर इसको हम रिवैप नहीं किया तो मे भी हो सकता है कि आने वाले 5 या 10 सालों में किसी को भी नौकरी ना मिले। इसके लिए गवर्नमेंट, जितनी स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, UGC, और टाइम टू टाइम इसको रिमैप करने की कोशिश करते हैं, इसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं कि कुछ कंपोनेंट इसमें हम इंक्लूड करें ताकि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकें। जैसे आपने देखा होगा 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी, इसमें बड़ी चीज़ें डिटेल में दी गई थी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का सोचना था कि अब टाइम आ गया है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को रिबिल्ड करें, उसको अच्छा करें। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो बहुत ही कमी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अभी तक इम्प्लीमेंट किया है। बहुत सी यूनिवर्सिटी उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रही हैं, बट अभी तक किया नहीं है। दोस्तों, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि आखिरकार हो क्या रहा है। मैं एक सिंपल एग्जामिनेशन लेता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे ने BTech कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, तो उसके 2 सेमेस्टर तो सिर्फ बेसिक पढ़ने में निकल जाते हैं। बेसिक में वो पढ़ता क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ, फिजिक्स हुआ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ। अगर आप देखें तो 4 साल कोर्स करने के बाद उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। मुझे नहीं लगता कि फिर उसके करियर में कभी मैथमेटिक्स यूज करना आएगा या केमिस्ट्री यूज करना होगा या फिजिक्स यूज करना होगा, क्योंकि उसका मेन फोकस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे है। बट हमने क्या किया, 1 साल तो बर्बाद कर दिया उसको और चीज़ें पढ़ाने में। शायद हो सकता था कि उस 1 साल को हम अच्छी चीज़ें पढ़ाने में या उसके कोर्स से रिलेटेड पढ़ाने में यूटिलाइज कर सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। और ये सिर्फ एक ब्रांच के साथ नहीं, इंजीनियरिंग की जितनी ब्रांचें हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है। बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं नए नए आइडिया के साथ आ रही हैं, वो चीज़ों को सही कर रही हैं, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लॉन्च कर रही हैं और स्टूडेंट को चॉइस भी दे रही हैं कि जिसको जो सब्जेक्ट पढ़ना वो पढ़ सके। बट ऐसा हर यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरह की सुविधाएं, इस तरह की फैसिलिटी देने के लिए आपको लॉट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां ओपन हो चुकी हैं, मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, मैं सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, बट मोस्टली यूनिवर्सिटियां क्या कर रही हैं, डिग्री बेच रही हैं, पैसे कमा रही हैं। उनको कोई मतलब नहीं है एजुकेशन सिस्टम के हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि वो एक फैकल्टी है पूरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रन कर रहा है। ऐसी आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ मिल जाएंगी जिनको सिर्फ बच्चे का एडमिशन लेना है, सीधे पेपर में बुलाना है, उसको पेपर दिलवाना है, डिग्री देना है, ख़त्म। बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार स्टूडेंट भी हैं, मैनेजमेंट भी हैं और पेरेंट्स भी हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ प्रैक्टिकल का। देखिए क्या होता है, बच्चे प्रैक्टिकल को एक टाइम पास लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है यही आपके आगे आप काम आने वाली है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं है इंजीनियरिंग का, क्योंकि आपका थ्योरी यूज नहीं होने जा रहा है। अगर आप BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में आप कभी गए ही नहीं, किसी खेत की खुदाई नहीं देखी, बीज कैसे लगाते ही नहीं देखा, तो आपने सीखा क्या, कुछ नहीं, वो थ्योरी काम नहीं आने वाला। अब इसका रीज़न क्या है, पहला रीज़न ये है कि मोस्टली बच्चे इसको टाइम पास समझते हैं, जब उनकी लैब होती है या तो बाहर घूमने चले जाते हैं या कैंटीन में अपना टाइम काट देते हैं। दूसरा, बहुत से यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के पास फैसिलिटी नहीं होती ताकि वो बच्चों की लैब करवा लें, क्योंकि अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें या मैकेनिकल की बात करें, इसमें लॉट ऑफ मनी चाहिए आपको उनका लैब सेटअप करने के लिए, तो हर यूनिवर्सिटी इतना पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाती। तीसरा, ट्रेनर कि जो अच्छे से ट्रेनिंग दिला सके, क्योंकि अगर अच्छा ट्रेनर लेंगे तो डेफिनेटली आपको उसकी सैलरी में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लोग इन्वेस्ट करना चाहते नहीं हैं, इसलिए अच्छा ट्रेनर नहीं मिलता, इसलिए बच्चे लैब नहीं कर पाते, और फिर जब वो मार्केट में जाते हैं जॉब के लिए तो पता चलता है कि इनके पास तो वो स्किल है ही नहीं जो रिक्वायरमेंट है।
अगर कोई कंप्यूटर साइंस पास किया हुआ बच्चा किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाता है इंटरव्यू देने, अगर उससे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएं और सी प्लस प्लस या सी शार्प की एक सिंपल प्रोग्रामिंग करवाई जाए, अगर वो नहीं कर रहा है तो वो उनके लिए बेकार है। बट वो उनके लिए तो बेकार हो गया, लेकिन अगर इंडिया की पॉपुलेशन में देखा जाए, मीन्स आप अनएम्प्लॉयमेंट में देखें, तो काउंट हो रहा है कि हाँ ये अनएम्प्लॉयड है, इसके पास जॉब नहीं है। क्यों जॉब नहीं है? क्योंकि अपना स्किल उसने बेहतर किया नहीं, और हमारा एजुकेशन सिस्टम यहीं लैग कर जाता है, क्योंकि हमारा फोकस होता है नंबर गेन करने में, न कि नॉलेज गेन करने में। और जिस दिन हमारा फोकस नॉलेज गेन करने में हो गया, उस दिन हमारा भी एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सकता है। अब देखिए, बहुत सी स्टेट हैं जहाँ पे जॉब अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, तो स्टूडेंट सीखने की कोशिश नहीं करता है, वो अधिक से अधिक मार्क्स लाने की कोशिश करता है कि मुझे कैसे भी एनी हाउ 80% या 90% आ जाए, उसी बेस पर मुझे जॉब मिल जाएगी। इससे क्या होता है कि इस केस में जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, शायद उनके अच्छे मार्क्स उतने नहीं आ पाते हैं जितने रिक्वायर्ड है, और इसमें क्या होता है, जो बच्चे एनी हाउ नंबर लिए हैं उनको जॉब मिल जाती है। फाइनली क्या होता है, ना वो प्रोडक्शन दे पाते हैं, ना वो जॉब ढंग से कर पाते हैं, बट ऐसा हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जिनका मूल फोकस कंपटीशन के थ्रू जॉब देने पे, इससे क्या होता है कि एटलीस्ट बच्चा तैयारी करता है, चीज़ों को पढ़ता है, चीज़ों को समझता है। तो एक तो इंडियन गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जहाँ भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में 2-3 स्टेट ऐसे हैं कि जो शायद इस मामले में आप कह सकते हैं फेमस है आज का, जैसे यूपी हुआ, बिहार, मध्य प्रदेश, जहाँ बच्चों को नंबर बांटे जाते हैं। और देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इन्हीं स्टेट में ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों का फोकस वहाँ पे एजुकेशन देने में नहीं है, नंबर देने में। बच्चा नंबर ले लेता है, मार्केट में घूमता नहीं है, जॉब नहीं मिलती है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट होता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, ये चीज़ें तभी सुधरेगी, जो स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है वो अवेयर होगा, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है उसका मैनेजमेंट क्या है, थिंकिंग क्या है, क्या वो चाहते हैं कि रियली इंडियन एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो। और थर्ड, जो हमारी सिक्योरिटी बॉडी है या गवर्नमेंट की बॉडी है, क्या रियली वो फॉलोअप लेते हैं कि हाँ यहाँ पे चीज़ें हैं कि नहीं है। क्योंकि आपने बहुत से केसेस सुने होंगे कि भाई UGC है, यूनिवर्सिटी को विजिट करती है, और जैसे PCI है, वो भी यूनिवर्सिटी को विजिट करती है। जब वो विजिट करते हैं तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि एनी हाउ सारी चीज़ें तो अवेलेबल करा देती है कि हाँ भाई इतने फैकल्टी हैं, और जाने के बाद सारे फैकल्टी गायब हो जाते हैं। तो यहाँ भी हम लैग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट बॉडी है वो भी अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। अगर वो अच्छे से करती तो शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पीछे नहीं होता, बट ऐसा हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोग स्किल बेस्ड कोर्स करें, ताकि किसी एक चीज़ में अपने आप को डेवलप करें, ताकि वो मार्केट में निकल के जॉब ले सके। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो मे भी हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही सफ़र करता रहेगा और हम देखते रहेंगे। तो अब ये टाइम आ गया है कि पेरेंट्स, स्टूडेंट, मैनेजमेंट सभी सोचें कि हम अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमने इम्प्रूव नहीं किया तो हम अभी जिस कंडीशन में, उससे भी बुरी कंडीशन हमारी हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जाएगा, लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, फिर लोगों को जॉब न मिलने की वजह से बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे चोरी, डकैती, सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, लोगों को डिप्रेशन होता है, सुसाइडल केस बढ़ जाते हैं। इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना इम्प्रूव किया जाए कि अगर कोई भी बच्चा BTech में या किसी डिप्लोमा में या किसी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लेता है, तो एटलीस्ट उसकी जॉब एंश्योर हो सके। वो तभी होगा कि जब बच्चा अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर करेगा, प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान देगा, और एक अपने स्किल में अपने आप को डेवलप करेगा। और इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ अब इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दी हैं, जब से हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुआ है। मेरे ख्याल से, मुझे तो जितना मुझे दिख रहा है मैंने आपके सामने बोल दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।